मैं पढ़ूंगी लूका, उसका 2 अध्याय 1 से 20 तक। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के घर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। थैंक यू। कुछ समझ में आया? हाँ जी, यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ है ना? उनका पिता का नाम क्या है? यूसुफ। माँ का नाम? मरियम। देखो कब कब जन्म हुआ यीशु मसीह? अभी तो हम 2021 साल में ना, 2000 के पहले ही एक एम्परर को क्या बोलते हैं, एम्परर राजा से ऊपर महाराजा, ठीक है, महाराजा अशोका, राजा से एम्परर अशोका बोलते हैं ना, या ये तो रोम का है। उस समय रोम का शासन बहुत विकास जगह था, कई देश को कब्जा करके वहां शासन करते थे। उनका नाम अगस्तुस। अगस्तुस बहुत क्या कठोर आदमी है, वेरी क्रूअल मैन। लोगों की दया क्षमा ये कुछ नहीं है उनके मन में। वो राजा का क्या चाहता है, अपने को भगवान बना दिया, अपने को भगवान बना दिया। ऐसा होता है दुनिया में ना, जो संपत्ति ज्यादा है, अपने हाथ में शासन आ गया, क्या होगा सोचेंगे, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा सोचने लगा। और एक फलस्तीन देश को कब्जा करके एक ऑर्डर दिया है, सारे उनके कई देश उनके हाथ में है। ऑर्डर क्या ऑर्डर दिया? सेंसस, जनगणना लेने के लिए अपने अपने जगह जाना है। यूसुफ कहाँ था? कहाँ के? बैतलहम। इसलिए वो अपने पत्नी मरियम को लेके कहाँ गए थे? बैतलहम में, ठीक है। इसमें दोनों में हम बहुत फर्क है।
एक साइड में कौन है? राजा, बड़े बड़े लोग ना महल में बैठते हैं और बहुत बड़े बड़े घर में, बड़े स्थान में, है ना। और दूसरा है ना, चरवाहे और गरीब लोग, है ना, ऐसा। फिर इसमें देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहाँ जन्म हुआ? महल में। कहाँ जन्म हुआ? उसका मतलब क्यों ऐसा जन्म लिया है कि राजा हो सकता है, राजा के रूप में जन्म लेके सबको अपने हाथ में रख सकता था ना। क्या उनको मालूम है? ईश्वर का ये सोच है कि ये अच्छे अधिकार, ऐसे अधिकार हमेशा निरंतर नहीं रहेगा, हमसे चले जाएगा, सब कुछ चले जाएगा। कुछ भी निरंतर नहीं है, कोई भी निरंतर नहीं है, कोई चीज भी निरंतर नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबको सिखाने के लिए ये जन्म लिया हमारे जैसे। क्यों? हम देख सकते हैं आपस में कैसे हम संपर्क करते हैं, आपस में परिवार में या समुदाय में कैसे हम संपर्क करते हैं। अगर कुछ सामान लेना कैसे लेते हैं? हाथ से, है ना, हाथ से सुनते हैं। और कहीं जाना है क्या जरूरी है? पैर और आंख, ठीक है, किसी से बात करना मुंह चाहिए, और सुनने के लिए कान, देखना उसको हम कहते हैं पांच चीज, सेंस, फाइव सेंसेस बोलते हैं, ईयर, माउथ, आईज, टच और स्मेल ना। ये फिर इसके बिना हम किसी से संपर्क नहीं कर सकते। हम बोलेंगे ईश्वर कहाँ है? कई जगह में, ऐसा कोई जगह में भी नहीं, ऐसा बोलेंगे ना कोई कहीं भी उनको हम नहीं देख सकते। कई जगह में, पूरे जगह में है ईश्वर, कोई भी ऐसा नहीं देख सकते। इसलिए प्रभु ईश्वर हम उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, हाथ से पकड़ सकते हैं, इसी रूप में जन्म लिया है हमारे लिए, एक मानव बनकर चरणी में जन्म लिया है। जैसे हम पैदा होते हैं, माँ है, पिता है, इसी प्रकार और यीशु मसीह भी जन्म लिया, कहाँ, हमारे जैसे साधारण जीवन बिताकर माता पिता जन्म लिया। ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए प्रभु यीशु को, ईश्वर को कहाँ देख सकते हैं, कैसे हमसे बात करते हैं प्रभु ईश्वर, कैसे हमसे बात करते हैं, कौन बोल सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, किसी के रूप में, ठीक है। मैं कह सकता हूँ आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी के चेहरे को देखे हम किसको देखना है? परमेश्वर को। ये जरूरी है, इसलिए ईश्वर एक मानव बनकर हमारे बीच में आया है। ईश्वर को देखने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं है, ठीक है, जाना तो प्रार्थना, एक समुदाय के रूप में बैठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कहाँ देखते हैं? माँ इनको देखते, पिता को देखते, बच्चों को देखते, गरीबों को देखते, उनके चेहरे में ईश्वर को हम देखते। इसलिए ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में जन्म लिया, इसका अलावा कोई धर्म नहीं है। कैसे? एक दूसरे को बात करते, संपर्क करते समय ईश्वर से संपर्क करते हैं, ईश्वर से बात करते हैं, ईश्वर से हम सुनते हैं। समझ में आया? हाँ जी, या हमारा धर्म ये है मानवता। मानवता मतलब हम सब एक सारे समुदाय इकट्ठे होते परिवार के रूप में जीवित होते हैं। राजमणि मैडम ने बताया, सर ने बताया राजमणि के बारे में, फादर राजमणि, ये सोचा है इनको ऐसे सुसमाचार सुनते बाइबल से, उनमें कान में सुनते, फिर सोचने लगा ईश्वर का कैसे मैं सेवा करूं, ईश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने ये सब सोचने लगा। स्कूल बनाना, स्किल डेवलपमेंट का पढ़ाई देना है, बच्चों को देखभाल करना है, सबको उन्होंने सुनते फिर काम को शुरू किया। इसलिए जहां
अच्छी तरह अच्छे सोच के साथ हम बीज बोते हैं कि पौधा निकलेगा, सही है ना। अगर हम गलत रूप में किसी को मार के किसी से चोरी करके हम करना चाहते हैं, निरंतर नहीं चलेगा, है ना। या ये संदेश है हम सबों के लिए, यीशु मसीह के जन्म दिवस पर संदेश को मन में रखना बहुत जरूरी है, इसके अनुसार हमें जीना भी बहुत जरूरी है। और एक कहना चाहता हूँ, अभी देखो हमारा स्कूल है बहुत पुराना हो गया, है ना, बहुत पुराना हो गया। फिर क्या होता, हर चीज निकलता है ना। हम क्या करना है, हमें क्या करना, मरम्मत करना है ना, रिपेयर करना, उसको कहते हैं मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करना है। ये हमारा विश्वास एज अ क्रिश्चियन जीवन, कोई जीवन में कोई इंसान हो, ठीक है, ये मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं और मॉस्क जाते हैं, मस्जिद प्रार्थना करके आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए शांत है, शांत रहते हैं, शांति है, फिर क्या होगा, फिर उसी लेवल में आ जाते हैं। फिर क्या जरूरी है, हमारा जीवन में परिवर्तन, हमारे काम के द्वारा, हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। हम सबों को भी ईश्वर के जैसे, वी हैव टू बिकम लाइक गॉड हिमसेल्फ, वेयर, हमारे बीच में, ठीक है। इस संदेश को आपको आपके सामने रखना चाहता हूं, हम सब, आप और मैं, रोज सुबह सुबह उठते समय हम सब ईश्वर को धन्यवाद देंगे, है ना, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते क्यों, हमें जीवन दिया है, पूरा दिन आ गया हमारे लिए, काम के लिए बहुत चांस है, बहुत मौका है, सबसे पहले ईश्वर को सोचें, ईश्वर ये भगवान आपको हम धन्यवाद देते हैं, है ना। हमेशा फिर काम शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो, कुछ भी हो वो दिन अच्छा रहेगा, कुछ भी हो खराब नहीं है। हम सब, हमारे जीवन में कमियां बहुत है, इसलिए सबको दुख आ जाता है, कष्ट है, ऐसा हो जाता है, बीमारी आ जाती है, लेकिन ईश्वर जो अच्छे हैं, जो कुछ करेंगे क्या करेगा, किसी ने वचन बनाया, अच्छा ही करेगा, ऑलवेज ही डज द राइट थिंग एंड अ गुड थिंग फॉर अस ऑल, ठीक है। हाँ जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सब आप लोग कहाँ रहते हैं, इधर ही रहते हैं, अच्छा, इनका मेंबर है, डैडी मम्मी है ना इनका, पिता माता पिता, कुछ बच्चों का है, तो कैसे इनको पता, ये कैसे आप ये आनंद।